मेरा नाम किरण जायसवाल है। मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही श्री शिवाय नमस्कार। पत्र में अच्छी बात लिखी है, गोरखपुर में भी कथा बाबा होना चाहिए लिखा। अब इनने पत्र में लिखा है हमारे गोरखपुर में भी कथा होना चाहिए। वहां मेरे शंकर के गोरखपुर में मेरे शंकर के दो रूप रहते हैं, एक गोरखनाथ एक योगी नाथ। और जिस दिन गोरखनाथ और योगी नाथ जी के मन में आ गई ना, उस दिन ये शिवपुराण तुम्हारी गोरखपुर में हो जाएगा पक्का। गोरखपुर में हो जाएगा। गुरु जी, मेरा नाम किरण जायसवाल है। मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जी आए हैं क्या? हाथ हिलाओ, आ जाइए रविंद्र जी, आप आओ। और किरण जायसवाल भी उनके साथ में आ जाइए, बस दो जनी आ जाओ, किरण जायसवाल जी और रविंद्र। मेरा नाम किरण जायसवाल है। मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूँ। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। हम कभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर का गुणगान नहीं करते थे। पहली बार आपकी कथा केवल मोबाइल के माध्यम से सुनी थी और आपसे भी निवेदन करते थे। आपके पास में अगर शंकर की कथा, कुबेरेश्वर धाम की कोई लीला, भगवान शिव की कथा का कोई क्लिप अगर आपके पास में आता है, इस पवित्र शिव महापुराण की कोई क्लिप आपके मोबाइल पर आती है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि सारे ग्रुपों में भेजा करो। हो सकता है किसी का भाग्य खुल जाए, किसी का भविष्य अच्छा हो जाए, भेजा करो। पर कई लोग नकली नकली क्लिप बना लेते हैं, उसमें कुछ कुछ फोटो हमारा लगा देते हैं, बोलने वाले दूसरे हो जाते हैं। आपको क्लिप भेजना वो चाहिए जो व्यासपीठ की कटी हुई हो, जो व्यासपीठ पे बोलते हुए हो, दिखते हुए हो और हम बताते हुए हो, वो क्लिप आप दुनिया को भेजो, मना नहीं। पर नकली मत भेजना कि कोई नकली काम कर जाए और दिक्कत। गुरु जी, एक मोबाइल पर क्लिप देखी, उस क्लिप से आशा जगी। मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल डायलिसिस पे डाला। उनकी हर्निया बढ़ गई और हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई। पलंग पर रहना, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से तो ये किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगी। कोई हो तो दे, अभी इस अवस्था में कौन किडनी कहां से बदलेगा, कौन देगा, पैसा कहां से आया, कैसे होगा। बाबा, केवल आपकी एक मोबाइल पर क्लिप देखी थी कि पीपल का पत्ता गलाकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर उसका आचमन सुबह सुबह करना था, जिसमें अवधूतेश्वर महादेव का आपने नाम दिया। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 15 दिन के बाद हमने वो प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के हिसाब से दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, ये बाबा की कृपा है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। गुरुजी, मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, मैं छाती ठोक कहती हूँ कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये त्रिकालदर्शी कैलाश, बोल बम का नारा है, शिव तत्व को जानो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो। इस शिव महापुराण को हल्के में मत लो, आप बैठ कर सुन जरूर रहे हो, दिल से आप धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरा शंभू
तुम्हारी झोली को खाली नहीं भेजेगा, भर भर भेजेगा, वो इतना देकर भेजेगा कि आप आनंद में हो। पूनम दीदी, शुमहापुराण का एक नियम है, हम आपको बताना चाहते हैं। बड़ा भारी नियम है शुमहापुराण का, एक नियम सबसे भारी, और जितने लोग सुन रहे वो भी अच्छे से सुन रहे। शुमहापुराण का एक नियम बड़ा भारी है, एक बार जो शिवपुराण की कथा करवा लेता है, बाबा उसकी झोली इतनी भर देता है कि वो दो साल में वापस कथा लेने के लिए आ जाता है। ये शिवपुराण का बड़ा भारी, इतना बाबा दे देता है। अजय रविंद्र जायसवाल जी आप एक बार रविंद्र जी ऐसे हाथ हिला दो, बाबा ने बड़े कृत शंभु 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 तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है मुख दुनिया मोड़े बाबा तू डालो मेरी लगी परी तीनू बाबा तुए हरू सफर पशुपति व्रत करो।